शहर के बरगंडा से शनिवार को सुल्तानगंज के लिए कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस के सी ने अपने परिजनों के साथ सुल्तानगंज के लिए निकले। सुल्तानगंज जाने वाले में डॉक्टर एस के सी के साथ डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, वैद्यनाथ पाल, सुरेश पाल, सौविक पाल, तुलसी यादव व अन्य लोग शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी लोग सुल्तानगंज पहुंचेंगे और गंगा जी से जल उठाकर कांवर लेकर पैदल चलकर देवघर पहुंचेंगे और बाबा वैद्यनाथ के ऊपर जल अर्पण करेंगे। इस बाबत मदन लाल विश्वकर्मा ने बताया कि डॉक्टर एस के सिंह के नेतृत्व में हर साल श्रावणी मेला के अवसर पर एक जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना होता है और बाबा का जल अर्पण कर गिरिडीह जिला के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। बता दें कि श्रावणी मेला की शुरुआत रविवार को आषाढ़ पूर्णिमा के बाद सोमवार से हो जाएगी। सावन माह में लाखों की संख्या में भक्त देवघर में बाबा पर जल अर्पण करते हैं। आज हम लोग शिवम क्लिनिक नर्सिंग होम गिरिडीह से हम लोग एक जथा बाबा धाम के लिए निकल रहे हैं। उसमें डॉक्टर एस सिंह जी हैं, डॉक्टर इंदिरा सिंह जी हैं, डॉक्टर स्मिता सिंह जी हैं, डॉक्टर साकिन जी हैं और हमारे इतने भी सहयोगी सब साथ दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ से जाते हैं और सुल्तानगंज में जल उठा करके हम लोग अभिषेक करके उनका है ना, उसके बाद हम लोग बाबा धाम पैदल चल के चढ़ाते हैं। और बाबा धाम जा करके हम लोग गिरिडीह वासियों के लिए सबको चाहते हैं कि सुख समृद्धि रहे, अच्छा से जीवन व्यतीत करे। और हम गिरिडीह वासियों से अपील करते हैं कि आप लोग भी जाइए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और गिरिडीह वासियों को सुखी समृद्ध रखने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।